वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको 2014 साइफाई शॉर्ट फिल्म द रियल एविडेंस लैपटॉप को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ सब लोग अपने 9 to 5 के जॉब में बिजी होते हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज पेपर वर्क और कुछ अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। हम एक चश्मा पहने लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। तब वो अपने सामने वाले वॉल पर कुछ देखता है। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं होता। वो कभी अपने लैपटॉप और उस वॉल को देखता है। सरप्राइजिंगली लैपटॉप का वो पॉइंटर लैपटॉप स्क्रीन के बाहर मूव होके सामने वाले वॉल पे जा रहा था। उस बंदे को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे वो लैपटॉप के टच पैड पे फिंगर्स मूव कर रहा था वैसे वो पॉइंटर वॉल पे मूव हो रहा था। ये सब देख के वो हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। फिर वो इस मैजिक को रियल वर्ल्ड में यूज़ करने की सोचता है। वो पॉइंटर को टच पैड से एक टी कप पे पॉइंट आउट करता है और टच पैड पे टैप करता है और वो टी कप गिर जाता है और सारी चाय टेबल पे गिर जाती है। इस गड़बड़ की वजह से कलीग उसकी ओर देखने लगते हैं। वो सबसे माफ़ी मांगता है और टेबल साफ करने की एक्टिंग करता है। आफ्टर सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑन पेपर ग्लास उसे फिर से इसे ट्राई करने की सोचता है। वो लड़का इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र टेबल पे रखे हुए लेटर पे जाती है। वो उस लेटर पे एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है। वो एरो को उस लेटर पे मूव करता है। जैसे ही पॉइंटर लेटर पे जाता है वो कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है। उस लेटर पे ये मेंशन होता है कि ऑफिस लेट आने की वजह से उसे पेनल्टी पे करनी है। फिर वो लेटर पे कर्सर लेकर उस सेंटेंस को डिलीट कर देता है और उसके जगह पर उसका बॉस एक जर्क है और उसे कंपेंसेशन पे करना होगा अपनी मंथली सैलरी से, ये लिखता है। फिर वो लेटर हाथ में लेता है और ज़ोर से हंसने लगता है। वो इतनी ज़ोर से हंसता है कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है और मन में सोचता है कि ये 9 to 5 जॉब करने वाले ये क्या जानेंगे कि लाफ्टर क्या होता है। फिर वो लेटर की ओर देखता है और स्माइल करते हुए अपने किए गए एक्सपेरिमेंट पे खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप लेके अपने क्यूबिकल से बाहर आता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। फिर वो बंदा वही ऑफिस टेबल पे बैठ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं वो उस लड़की को सीक्रेटली देख रहा है। वो अपने लैपटॉप का पॉइंटर लैपटॉप से बाहर निकाल कर उस लड़की के टेबल की ओर ले जाता है और उसे छेड़ने लगता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ से उठ के चली जाती है। अभी तक सिंपल दिखने वाला लड़का हाथ में पावर आते ही बिगड़ जाता है। फिर वो ऑफिस से बाहर आता है, तभी वो अपने फ्रेंड को दो लेडीज से बात करते हुए देखता है। फिर वो उसे बुलाकर ऑफिस के रूफटॉप पे लेके जाता है क्योंकि उसे वो सीक्रेट अपने दोस्त से शेयर करना होता है। और उसे फिर उसके सामने वो नॉर्थन क्रेडिट बैंक के बोर्ड को इरेज करके उसकी जगह पे नॉब्स क्लाउन एंड बास्टर्ड करता है। उसका दोस्त नीचे पार्क की हुई गाड़ी को कुछ करने के लिए कहता है और ये बंदा उसे गाड़ी को सिलेक्ट करके उसका साइज बड़ा और फिर छोटा कर देता है। वो गाड़ी को इतना श्रिंक कर देता है कि गाड़ी एक टॉय कार जैसी लग रही थी। उसका दोस्त एक्साइट हो जाता है और कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में बहुत कुछ कर सकता है। वह इसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस होने का दावा करता है। अपने दोस्त को ऐसे बात करते हुए देख वो बंदा चौंक जाता है। उसका दोस्त आगे एक प्लान कहता है कि वो दोनों बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करके सारा पैसे देने के लिए कहेंगे। अगर उसने नहीं किया तो हम उसकी बिल्डिंग ही गिरा देंगे और फिर पैसे लेकर हम वो बिल्डिंग सचमुच में गिरा देंगे। फिर वो मैनेजर किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, क्रीपी बॉय। ये सब बकवास उस बंदे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और हमें भी। उसका दोस्त एक मॉन्स्टर में बदल गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो गाड़ी इन्होंने श्रिंक की थी उसका ओनर अपनी गाड़ी फाइंड आउट करने लगता है। वो जैसे ही ज़मीन की ओर देखता है उसी स्पॉट पे सेम टू सेम उसके कार जैसी कार लेकिन टॉय कार देखकर वो शॉक होता है। अभी वो दोस्त ये सोचने लगता है कि वो दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। उसका फ्रेंड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे वो कहता है कि हम दोनों कोई भी पॉलिटिकल क्रिमिनल्स और पुलिसमैन को उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो बंदा उसकी ये बातें सुन के इरिटेट हो रहा था
और वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता है और माउस कर्सर को अपने फ्रेंड के बॉडी पे फ्रेम करता है। उसका फ्रेंड ये नोटिस ही नहीं करता और बोलता है कि अगर कोई पकड़ने के लिए आए तो उन सबको वो डिलीट कर देंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। वो तो देश के आर्मी को भी डिलीट करने की बात कर रहा है। जैसे ही वो आर्मी डिलीट करने की बात करता है, ये बात सुनकर उस बंदे को झटका लगता है और उसको अपना दोस्त एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह लगता है। जैसे ही उसका फ्रेंड अपना हाथ ऊपर करता है, वो कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करता है। कंट्रोल प्लस एक्स मीन्स कट, ये तो हम सब जी जानते हैं। इस कमांड के बाद उसके फ्रेंड की बॉडी वहाँ से वॉश आउट हो जाती है, लेकिन उसका हाथ फ्रेम से बाहर होने की वजह से रूफ से नीचे गाड़ी पे गिरता है और उसमें से ब्लड स्पिल आउट हो रहा था। गाड़ी पे गिरने के कारण गाड़ी का सायरन बजने लगता है, वहाँ लोग जमा होते हैं। ये सब वो बंदा बिना पल के झपकाए देख रहा था। थोड़ा होश में आने के बाद वो बंदा ऊपर से नीचे दिखता है, तो सब लोग उसे उसके ऐसा करने पर उसे जेल जाना पड़ सकता है और पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। अब वो बहुत डर जाता है और पैनिक करने लगता है। फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और नीचे ग्राउंड एरिया सिलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग वो कार और वहाँ के सारे लोग। फिर वो कट ये कमांड देता है और सब कुछ वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वो रियलाइज करता है वो तो म्यूट भी कर सकता था। वो हर तरफ उन्हें देखने लगता है, उन्हें नहीं पाकर वो सरप्राइज होता है और अपना लैपटॉप उठा के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इतने सब क्योस के बाद वो बिल्डिंग से निकलकर सड़क पे चलने लगता है। वो बहुत ही फास्ट चलना शुरू करता है। चलते चलते वो कभी आगे तो कभी पीछे देख रहा होता है। तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक गाड़ी आती है। वो उस गाड़ी को रोकने के लिए अपना हाथ दिखाता है और गाड़ी रुक जाती है। वो ड्राइवर को रिक्वेस्ट करता है कि उसे क्रेमलिन तक अर्जेंटली जाना है, पर वो ड्राइवर उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उस रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है और उसमें वो फंसना नहीं चाहता। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि वो उसे ज़्यादा पैसा देगा। ड्राइवर उसकी ये बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बंदा अपना लैपटॉप खोलने जाता है पर देखता है वो गाड़ी वहाँ से चली गई। हाँ, बच गया ड्राइवर। इन द फाइनल सीन हम देखते हैं कि वो बंदा सड़क पे चल रहा है और वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आ जाता है। उस बिल्डिंग पे वो एक बड़ा सा एरो देखता है और वो अभी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ता है, अगले ही पल वो एरो उसे ही पॉइंट आउट कर रहा था। वो डर के मारे कुछ स्टेप पीछे चला जाता है, लेकिन वो एरो उसके ही ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से कवर कर देता है। वो जैसे ही आसमान की ओर देखता है, एक क्लिक में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और हमें सड़क पे बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है। आफ्टर फिनिशिंग हिम ऑफ, वो एरो मूव करता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर कभी ये पावर आपको मिली तो आप क्या करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।